गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कल हमारा लेसन 7। आज हम इसका प्रैक्टिस पार्ट करते हैं, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर, शो द गिवन ऑप्शन, आपको जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो है हु नॉक्ड डाउन ए ट्री इन द गार्डन। तो नॉक्ड डाउन मतलब होता है टूट कर गिरना, ए ट्री इन द गार्डन। तो पेड़ टूटकर गार्डन में किसके ऊपर गिरा था, मिस्टर वर्मा, स्टॉर्म या गार्डनर, तो आएगा गार्डनर माली। हु आर आवर रियल फ्रेंड, कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन है, एनिमल, बर्ड या ट्रीज, तो इसमें क्या आएगा, ट्रीज। आगे विच यूजफुल गैस इज गिवन टू अस बाय द ट्रीज, कौन सी गैस है जो उपयोगी गैस जो पेड़ हमें देते हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें बच्चों आपकी ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। O2 जिसे वो हमें सांस लेने में मदद करती है, ऑक्सीजन से किसे ही हम सांस ले पाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। आगे हैं आपके ट्रू फॉल्स, तो फर्स्ट है ट्रीज आर आवर एनिमीज, एनिमीज का क्या बताया था मैंने, शत्रु, दुश्मन, तो पेड़ हमारे दुश्मन है, ये बात बच्चों फॉल्स है, तो देखो हमने फॉल्स लिखा है, ठीक है। सेकंड है ट्रीज ओनली गिव अस मेडिसिन, वो केवल हमें दवाइयाँ ही देते हैं पेड़, अब ये बात भी गलत है, पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो ये भी फॉल्स आएगा। स्मॉल प्लांट्स आर आल्सो यूजफुल, जो छोटे पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि वेजिटेबल, आपके फ्रूट्स, परफ्यूम, आपका फाइबर स्मॉल प्लांट्स से मिलता है, तो यहाँ पर हमने ट्रू लिखा। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तो ये बात सही है, इसलिए हमने इसको ट्रू लिखा। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर मैंने आपके कॉपी में लिखे हैं, तो बच्चों आपको भी इनको अपनी नोटबुक में ही लिखना है, बुक में फिल मत करना, क्योंकि बुक में इतना स्पेस नहीं है, अच्छे से नहीं लिखा जाएगा, तो आप अपनी नोटबुक में ही लिखोगे इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपन्ड इन द गार्डन, गार्डन में क्या हुआ था, तो ए स्टॉर्म नॉक डाउन ए ट्री, एक तूफान ने एक पेड़ को गिरा दिया था इन द गार्डन, गार्डन में, एंड गार्डनर गॉट अवे विद ए फ्यू ब्रशेज, और उसको कुछ चोटें आई थी और वो वहाँ से चला गया था, भाग गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाई वाज रिया कॉलिंग ट्रीज आवर एनिमीज, रिया ने उनको पेड़ों को हमारा दुश्मन क्यों बोला, बिकॉज द ट्री फेल डाउन एंड हर्ट द गार्डनर, जो पेड़ था वो टूट कर गिर गए थे और उसने गार्डनर को चोट लग गई थी। हाउ आर द ट्रीज यूजफुल टू अस, अब जो पेड़ हैं वो हमारे लिए यूजफुल, उपयोगी कैसे हैं, तो ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिंस, फ्लावर, वुड, फाइबर एंड शेड, जो पेड़ हैं वो हमें इतना सब कुछ देते हैं बच्चों, इसलिए वो हमारे लिए उपयोगी हैं, यूजफुल हैं। नेक्स्ट हाउ आर स्मॉल प्लांट्स यूजफुल टू अस, जो छोटे प्लांट हैं, छोटे पौधे हैं, वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, तो दे गिव अस फूड ग्रेन, फ्लावर, ठीक है, जो दाना है आपका, फूल है, आप सब्जियां, वेजिटेबल्स हैं, जो फाइबर है वो भी छोटे पौधे से मिलता है, तो इतना सब कुछ हमें स्मॉल प्लांट्स देते हैं। इसके बाद है आपका व्हाई रिया वांटेड टू प्लांट मोर ट्रीज, रिया और ज़्यादा पेड़ क्यों उगाना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि सी अंडरस्टूड, वो समझ गई थी दैट कि हाउ प्लांट्स वर यूजफुल, कैसे प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, एंड असेंशियल फॉर अस, और हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, आपको इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, बुक में आपको इनको फिल नहीं करना है। इसके बाद अब हम अपनी बुक में आ जाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं।
देखो बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर के बाद हमारे आते हैं प्ले विद वर्ड्स। इसमें क्या करना है, नेम द फॉलोइंग, आपको उनका नाम लिखना है। जैसे आई वर्क इन द गार्डन, मैं बगीचे में काम करता हूँ। बगीचे में कौन काम करता है, गार्डनर है आपका, ठीक है, माली। आगे आई गिव यू मैंगो फ्रूट्स, मैं आपको मैंगो का फल देता हूँ, मैंगो देता हूँ, आम देता हूँ। तो कौन देता है, मैंगो ट्री, ठीक है। आगे है आई गिव यू ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कौन देता है, ट्रीज देते हैं, हमारे पेड़ देते हैं। ट्रीज प्रोवाइड शेड, जो पेड़ हैं वो हमें छाया प्रोवाइड करवाते हैं। एंड शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए, किन के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए घर देते हैं, घर की जगह देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, एनिमल्स। दे, ये देम एनिमल्स किसके लिए आया, देम के लिए। आगे है दे ब्रिंग रेन, वो बारिश लौटाते हैं, बारिश देते हैं। कौन देते हैं, हमारे क्लाउड्स, जो हमारे बादल हैं, ठीक है, वो हमें बारिश देते हैं। तो इसके बाद हमारा आगे देखते हैं,